हम सोने जा रहे थे, अचानक हमारे मूड में क्या आया कि आज जॉनी भैया ने जो आई शेडो बताया था, आई मेकअप, हमने सोचा करते ही हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। लॉक हो गया, 1:38 हो रहा है, मतलब 2:15 हम आई मेकअप हमारा हो रहा है। दीदी ने तो अपना करके रिमूव भी कर लिया, मेरा बचा हुआ है तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मेरी आईज कैसी लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज आपको सोच रही होंगे कि मैं ये गुलाबो बन के क्यों जा रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे इस ड्रेस का कोलैबोरेशन करना था, नीचे ये डेनिम स्कर्ट है और ऊपर ये साथ में टॉप आया था, तो मैंने सोचा कि आज ही पहन लेती हूँ, कोलैबोरेशन भी हो जाएगा और मैं पहन भी लूँगी। इस वजह से आज मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, आज मैंने पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम लगा लिया है ताकि थोड़ा सा मैट फिनिश आए, क्योंकि ऑयली ऑयली दिखता है कैमरे में तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम निकल गए हैं स्टूडियो के लिए, मिलते हैं आपसे स्टूडियो में पहुँच के। अभी हम स्टूडियो आ चुके हैं और सब लोग आ गए हैं। आज जॉनी भैया इनका मेकअप करेंगे जिनका पिछले टाइम मैंने मेकअप किया था, तो देखते हैं कैसे जाता है। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स थे, सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं थे, जो भी थे मैंने उससे किया था, तो आज इनका मेकअप होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज हो सकता है स्टूडियो में काफ़ी देर हो जाए, देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल के लोगों को हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। टोनी दीदी, अब हम लोग बस 2 दिन है, अब हम लोग सिर्फ भोजपुरी में बात करेंगे। बिल्कुल, हम वही हम जल्दी निपटाए कि अपन चल जाए। अब हम लेकिन अपन भाषा में बात करें, जबकि उनके बुझाए ना बुझाए, ऐसे लोगों को बुझाए ना बुझाए फर्क नहीं क्या पड़ा, मुझे फर्क पड़ता है, आपको समझ में नहीं आएगा काय तरह ना बुझे। दीदी आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, तरह बुझाता हो हमें भाषा, तरह बुझाता। हेलो, हमें भाषा तरह बुझाता। अरे क्या बोला तेने, हम बुझाता कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ए ब्राह्मी बस भोजपुरी में बात करे वाला बनी जा, और हमरा खुद बहुत मजा आवे वाला भोजपुरी में बात करके। टोनी दीदी ला गई बड़ी सामान सरिहाए में, कहे कि सर जी आज हमनी के प्रोडक्ट से मेकअप बतावे वाला बनी। तो आप लोग भी बताएं जरूर कि आप लोगन के कैसा लागत है हमनी के भाषा सुन के। पहली बार हम अपन ब्लॉग में पूरा भोजपुरी में बात करो तानी, आई होप आप लोग के अच्छा लगे। मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही थी तो मैंने हिंदी में बोला, तो मेरे को दीदी ने याद दिलाया कि तुम लोगों ने बोला था कि आज तुम लोग भोजपुरी में बात करने वाले हो, तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है, भूल जाते हैं, आदत नहीं है ना। तो अगेन भोजपुरी में तो सब स्टूडेंट लोग अपन जगह ले 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 वालो है ने, अरे है ने मॉडलो जगह अपन ले 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 बड़ी, हमरा के सामने जगह ना मिला था आज, तो हम साइड में ले 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 बनी। जहाँ पे मेरा डार्क एरिया है हल्का सा टच करेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, इसे डस्ट कर देंगे। डस्ट कर देंगे। अभी जॉनी भैया का क्लास डन हो चुका है और सब लोग वापस से अपने अपने काम में कुछ लोग लग गए हैं, हम जैसे लेजी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है। और ये हैं वो मॉडल जिनका मेकअप आज जॉनी भैया ने किया, दिखाना बेटा अपना फेस, आई क्लोज करना। तो ये आज का मेकअप है, इन्हीं का मेकअप मैंने भी किया था उस दिन, आप लोगों ने देखा होगा। एंड हियर आई एम, ये वाला स्कर्ट ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इसको ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, मतलब जितना ऊपर तक आप कट चाहते हैं, बटन बस खोलते जाइए, ये सारे बटन है। और इसके यहाँ पे भी ना दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत सही लगा। अगर किसी को ये बाय करना होगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेकआउट कर लेना, मैं वहाँ पे इसका लिंक डाल दूँगी कौन से पेज से मुझे रिसीव हुआ है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पेज का। आप मेरे रील्स भी चेकआउट करना, मैंने इस ड्रेस पे रील्स भी शूट की है, वो मैं डालूँगी बैक साइड से। काम के बीच में इन लोगों को डिस्टर्ब करती हुई, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो इन भली लड़की ने, मैं फेस दिखाती हूँ आपका जिनका भी मेकअप हो रहा है, जिनका मैंने पहले भी मेकअप किया हुआ है ब्लैक ड्रेस पे, तो उन्होंने अपना
लंच बॉक्स मुझे दे दिया, मैं नहीं खा रही थी, फिर भी उन्होंने कसम दे के, उनको पता चला कि मैं भूखी हूँ, चक्कर आ रहा है, तो उन्होंने कसम दे के मुझे अपना लंच बॉक्स दे दिया। ध्यान से देखिए इस लड़की का चेहरा, कभी मिल जाए तो आप भी इनकी हेल्प कर दीजिए। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, लेकिन ये बात तो है मैनपुरी में बहुत भले भले लोग हैं, एक दिन भी उनको भूखा नहीं जाने दिया। तो मैं जा रही हूँ लंच करने, फिर लंच करके इधर टोनी, अच्छा हाँ अभी मैं, आज हमारे साथ एक नई मेंबर जुड़ रही हैं, लेकिन हमें अब ज़्यादा दिन रहना नहीं, इधर टोनी दीदी लगी हुई हैं फुल डेडिकेशन के साथ। ओहो क्रीज बन रहा है, कट क्रीज। तो दोस्तों हमें घर पे आए हुए, मतलब रूम में आए हुए काफ़ी देर हो गया है, और आते ही हमने क्विक नैप भी ले लिया, थोड़ी देर सो भी लिया, आँखों से पता चल ही रहा होगा, थकान सी हो गई थी। तो अभी पता है काफ़ी देर से, मतलब काफ़ी देर हो गया, जब से आए हैं तब लाइट थी, उसके बाद ही कट गई थी, लाइट नहीं है तो एसी भी नहीं चल रहा है, और रूम में बहुत ज़्यादा उमस हो रखा है, क्योंकि घर का रूम होता है तो खुला खुला होता है। इधर मैंने विंडो खोला भी है, लेकिन विंडो के पास हवा आने की जगह नहीं है, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आज हमने जोमेटो से ऑर्डर किया था पिज्ज़ा, आ गया है हमारा, मैं ओपन करके भी दिखाऊंगी, इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि आज किसी ने कमेंट किया था कि आप जो चीज़ें भी मंगाते हो जोमेटो वगैरह से दिखा दिया करो, हमें अच्छा लगता है देख के, मज़ा आता है। तो वैसे तो पहले मैं थोड़ी लेजी होती थी, सोचती थी कभी दिखाऊं कभी नहीं दिखाऊं, लेकिन अब से दिखा दिया करूंगी आपके लिए। तो अभी मैं दिखाती हूं आपको, भूख लग गई थी तो अब हम जा रहे हैं खाने, ऑर्डर करके ही हम सो गए थे क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा था कि काफ़ी टाइम लगेगा अभी, तो लगभग 45 मिनट बाद ही आया है ऑर्डर करने के बाद। तो अब हम चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आपसे आज ढेर सारी बात करनी, ढेर सारी बात क्या, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये रहा हमारा पिज्ज़ा, देखने में तो यम्मी लग रहा है, मैंने चीज़ अनियन पिज्ज़ा ही ऑर्डर किया था क्योंकि उसमें बाकी के सब वो जो वेजीज डालते हैं ना, वो टमाटोज़ और कैप्सिकम वगैरह जो डालते हैं, मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बस चीज़ हो और भर भर के प्याज हो ऐसा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने ये ऑर्डर किया था। और अभी शाम हो गई है तो इतना बहुत है हमारे लिए, क्योंकि रात को फिर खाना भी खाना है। तो गाइज़ अभी रात का टाइम हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं, भूख भी बहुत ज़ोर की लग गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मंगवाएं, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि चलो डेली वाला वही मंगाते हैं बिरयानी। तो आज हमने बिरयानी मंगाई, बट बिरयानी वाले भैया भी हमें अब अंडरएस्टिमेट करने लगे, उन्होंने आज पनीर का टुकड़ा दिया भी नहीं, और जो डब्बा है वो भी छोटा कर दिया उन लोगों ने, आज भूख लगी थी तो आज डब्बा छोटा कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बिरयानी, आज कोई पनीर नहीं था, अब ये टोनी दीदी का तो साफ ख़त्म भी हो गया, चटनी वटनी भी गिर गई है चादर पे, तो आज यही है, भूख लगी है बहुत ज़ोर की। देखो फाइनली अब हम सोने जा रहे हैं, अभी 1:20 हो रहा है, रात के 1:20, और अब फाइनली हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक, आज दो घंटे मैंने शांति दीदी से बात किया, फिर घर पे काफ़ी देर तक बात किया मैंने मम्मी से, दीदी से, फिर बड़ी वाली दीदी से बात किया, तो इस चक्कर में आज बहुत लेट हो गया। उसके बाद कल के लिए थोड़ी तैयारी भी करनी थी, कल बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, एक्चुअली कल हमें सर्टिफिकेट मिलना है और हमें एक ब्राइड को रेडी करना है, मतलब एक लड़की को बिल्कुल ब्राइड की तरह रेडी करना है, जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतने अच्छे से करना है, फिंगर क्रॉस की बहुत अच्छा जाए। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ऐसा कुछ, तो कल बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए। आप लोग सोच रहे हो इतनी जल्दी सर्टिफिकेट क्यों, तो यहाँ पे ना मतलब 1 साल का भी कोर्स है, 1.5 साल का भी कोर्स है, 3 महीने का भी कोर्स है। मैं सोच के तो नहीं आई थी कि मैं 10 दिन में ही करके चली जाऊँगी, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा करूँगी, लेकिन यहाँ पर रहने खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत को देखते हुए मैंने एडवांस कोर्स ही सेलेक्ट किया जो कि 10 दिनों का था। एडवांस कोर्स उन लोगों के लिए होता है जिनको मेकअप का पहले से नॉलेज होता है, उनको बेसिक कुछ भी बताना नहीं होता है स्टार्टिंग से, तो उनको जिनको मेकअप करना आता है बस उनको एडवांस्ड चीज़ें जो भी मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग होता है वो सारी चीज़ें मतलब उस तरह का मेकअप बताना होता है, तो वो एडवांस कोर्स होता है, तो मैंने वही ज्वाइन किया था। तो वो कोर्स 10 दिनों का था, ये यहाँ की दिक्कत को देखते हुए ही मैंने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि होटल में मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, मतलब ऑब्वियसली तीन महीने से ज़्यादा तो मतलब 3 महीने तो रह नहीं सकते, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि एक कोर्स के लिए हम होटल का इतना ज़्यादा बिल पे करें फिर खाने का, तो इसलिए हमने 10 दिन वाला ही ज्वाइन किया। ये भी खैर बहुत महंगा पड़ा, उसके बारे में तो बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि रहना खाना जो भी था तो वो सब बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फ़िलहाल अभी ये है कि कल हमारा लास्ट डे है इंस्टीट्यूट में, और
कल बहुत ही स्पेशल डे है, आप लोग भी विश कीजिएगा ताकि सब सब कुछ मेरा अच्छा जाए। और अभी जा रहे सोने, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही है इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फंबल भी कर रही हूँ। सो आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल रहेगा मेरे लिए जो आएगा ब्लॉग। तो बाय बाय, गुड नाइट, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।